क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको क्या करना है, वही प्रूफ करना है ना इसको, किसकी हेल्प से, पीएमआई की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। देखो कैसे करते थे क्वेश्चन को, सबसे पहले इसको पीएन मान लेते थे, ये क्या है आपके लिए, इस स्टेटमेंट को पीएन के इक्वल मान लेते थे। क्या दे रखा है, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, एक बार 1 के लिए चेक करेंगे है ना, फिर k के लिए चेक करेंगे, फिर किसके लिए, k प्लस 1 की जगह, एक बार n की जगह 1 रखेंगे, एक बार n की जगह k रखेंगे, एक बार n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर, पहले आपने क्या कहा, 4n इज इक्वल टू 1, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 रखोगे, 1 का मतलब p1 है ना, p1 का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, और इसकी फर्स्ट टर्म चेक करनी है ना, या आप डायरेक्ट कर लो, हम इसका LHS लिख लेते हैं, LHS कितना है आपके पास, 1 इंटू टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसका क्या लिख लेते हैं, RHS ये रहा, यहाँ पर n के लिए कितना रखना है मेरे को, 1 रखना है, देखो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3, देखो कितना आ गया पास, ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पास, 2। तो ये LHS और RHS क्या आ गया पास, आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब P1 जो है आपका वो कितना हो गया, ट्रू हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, P1 इज ट्रू, P1 जो है आपका वो क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है ना, अब किसके लिए करेंगे, 4n इज इक्वल टू k, n की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम, और इसको मान लेंगे ठीक है ना, कि ये क्या है आपका, ट्रू है। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू, क्या मान लेंगे हम लोग, कि जो pk है वो क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, तो रखो इसमें n की जगह पर मुझे क्या रखना है, k रखना है, रखो उठा के, क्या हो जाएगा, देखो ये pk 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n के लिए क्या रख दिया आपने, k इंटू कितना हो गया, k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ठीक है ना अपॉन 3। ठीक है ना, बात क्लियर है, अब किसके लिए करेंगे, क्योंकि हमने है ना इक्वल हो चुका है और हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, ट्रू है। अब क्या करेंगे बोलो, n की जगह क्या लिखेंगे बोलो, के प्लस 1 है ना, और इसको हमें क्या करना है, इट हैज टू बी प्रूफ, और इसको हमें क्या करना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। देखो अब k प्लस 1 कैसे आएगा, pk प्लस 1 ठीक है, pk प्लस 1 कैसे आएगा, देखो यार ये जो pk है ये बिल्कुल एज इट इज ठीक है ना, और जहां आपको k दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, k प्लस 1 आगे हुए है ना, pk प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, pk प्लस k प्लस 1 टर्म। देखो यार ये कितना आ गया, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन के, और ये के प्लस 1, ये तो क्या उतार लिया आपने, पीके उतार लिया ठीक है ना। अब आप क्या कर दो, यहाँ पर ये पीके हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, के प्लस 1 चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, एन है ना, के की जगह पर क्या रख लूंगा, के प्लस 1 रख लूंगा, यहाँ पर रख लो के की जगह क्या रख लो आप लोग, के प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, के की जगह क्या रखा, के प्लस 1 रख दिया है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, जब मैं के की जगह के प्लस 1 रखूंगा, के प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया बोलो, k प्लस 2 इज इक्वल टू k की जगह मैंने क्या रखा है, k प्लस 1 है ना, तो ये कितना हो गया, k प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, k प्लस 2 ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, LHS को सॉल्व कर कर क्या लेके आएंगे, इसका RHS लेके आएंगे, तो मैं क्या उठा रहा हूँ, इसका LHS उठा रहा हूँ ठीक है। देखो इधर क्या दे रखा है, LHS 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन k इंटू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1
इंटू के प्लस टू, ये क्या है इसका LHS, ठीक है, उठा लिया आपने। देखो यहां से यहां तक हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन थ्री लिख सकते हैं इसी पर। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन थ्री प्लस, ये आपका नंबर है जीरो, k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब देखो यार इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो k प्लस वन यहां पर भी है और k प्लस वन यहां पर भी है, k प्लस टू यहां पर है और k प्लस टू यहां पर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां से कॉमन निकाल रहे हैं क्या, k प्लस वन और k प्लस टू, ठीक है। तो हमने यहां से क्या कॉमन निकाल लिया, k प्लस वन और k प्लस टू कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बच गया बोलो, k अपॉन थ्री प्लस ये पूरा पूरा कॉमन निकल गया, तो इसे क्या बच गया, वन बच गया। बात क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, चले फिर आगे। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये आपका k प्लस वन और k प्लस टू आपका एज रेस, यहां पर वही एलसीएम ले लिया, कितना आ गया थ्री, तो कितना आ गया पास k प्लस थ्री, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया इसका, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री अपॉन थ्री, बात क्लियर है, ठीक है ना। और ये क्या आ गया आपका LHS, सॉल्व करके क्या लिया है आप लोग, RHS के बराबर आ गया, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो इधर, अब आप लास्ट में क्या लिखोगे लैंग्वेज के अंदर कि PK प्लस वन इज ट्रू, ये जो PK प्लस वन है ये ट्रू हुआ है, कब हुआ है, जब PK को आपने ट्रू माना है, ठीक है। क्या लिखोगे बोलो, PK प्लस वन इज ट्रू व्हेन एवर PK इज ट्रू, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवा रखी है लैंग्वेज, है ना, उसमें से देख लेना आप लोगों, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहा है आपसे, वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन, है ना, प्लस एंड सो ऑन टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन, है ना, ये किसके इक्वल रखा है, n इंटू फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस वन अपॉन थ्री, है ना। इसको वही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, किसकी हेल्प से, पी एम आई की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी एन के इक्वल मान लेंगे, ठीक है, बोलो वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस एंड सो ऑन प्लस टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है ना। अब एक बार क्या रखेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे, वन, फिर एन की जगह के, फिर क्या रखना है, एन की जगह के प्लस वन, ठीक है, तीन स्टेप में कंप्लीट करना है क्वेश्चन को आपको। तो आपने पहले वही कहा फोर एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह क्या रखा आपने, वन रखा है, ठीक है। देखो यार जब मैंने n की जगह पर 1 रखा है, क्या रखा है, जब मैंने n की जगह 1, देखो इसका LHS, ठीक है ना, क्या आ गया LHS इसका, ठीक है ना, LHS कितना है इसका, 1 इंटू थ्री, कितना है 1 इंटू थ्री, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। RHS सॉल्व देखो, RHS n की जगह कितना रखना है आपको, 1 रखना है, तो 1 है ना, n की जगह 1 रखा, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9 अपॉन 3 कितना आ गया पास 3, ठीक है। तो देखो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ चुके हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब P1 जो है वो क्या है आपके पास, ट्रू है, P1 क्या है आपके लिए, ट्रू है। आप क्या रखोगे बोलो, N की जगह किसके लिए चेक करोगे, K के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट अस अज्यूम डेट PK इज ट्रू, PK क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है, रख दो N की जगह क्या रख दो, K रख दो, सॉरी N की जगह क्या रख दो, K रख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, PK कितना हो जाएगा, 1 इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, टू
के माइनस वन टू के प्लस वन इज इक्वल टू के, और कितना हो गया बोलो, फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन अपॉन थ्री। बात क्लियर है? अब क्या रखना है बोलो, एन की जगह पे क्या रखना है आपको, के प्लस वन, एन की जगह क्या लिखना है आपको, के प्लस वन, ठीक है ना। देखो इधर, और इट हैज टू बी प्रूफ, और इसको क्या करना है हमारे को, इट हैज टू बी प्रूफ, और इसको हमें क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो एन की जगह आप के क्या रखोगे, के प्लस वन। देखो के प्लस वन कैसे आएगा, ठीक है ना, ये जो नंबर है ये पी के पूरा एज इट इज यहां तक, और जहां पर आपको के दिख रहा है ना इस वाली स्टेप में, अगली स्टेप में, ठीक है ना, मतलब के प्लस वन टर्म चाहिए आपको, तो के प्लस वन टर्म कैसे आएगी, है ना भाई, पी के ये पूरी टर्म यहां तक तो एज इट इज, और उसमें क्या करो, आगे क्या कर देंगे हम, इस के की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, के प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, वन इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस सॉरी थ्री इंटू फाइव है, थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस एंड सो ऑन प्लस टू के माइनस वन टू के प्लस वन, ये तो क्या हो गया आपका, पी के हो गया, ठीक है ना, जबकि हमें क्या चाहिए, पी के प्लस वन। के प्लस वन मतलब क्या हो गया कि पी के प्लस वन टर्म, तो यहां पर हम के की जगह पे क्या रख रहे हैं बोलो, के प्लस वन रख रहे हैं। जब आप यहां पर के प्लस वन रखोगे, ठीक है ना, क्या रखोगे, के की जगह के प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, टू के प्लस टू और माइनस वन, तो कितना आ जाएगा बोलो, टू के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। यहां रखो के की जगह क्या रखा आपने, के प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, टू के प्लस टू और प्लस वन मिलके कितना हो गया, टू के प्लस थ्री हो गया। बात क्लियर है? इज इक्वल टू के की जगह क्या रखा आपने, के प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, फोर इंटू के प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, सिक्स और कितना हो जाएगा, के प्लस वन और माइनस वन, ठीक है ना, अपॉन थ्री। देखो यार मैं क्या करता हूँ, इस क्वांटिटी को सॉल्व भी कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा नंबर ला नहीं सकते आप, ठीक है। देखो इधर, के प्लस वन आपका एज इट इज, सॉल्व करें इसको। देखो इधर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो इसको और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा पास, के स्क्वायर, के स्क्वायर को जब मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, फोर के स्क्वायर, है ना, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है, वन, वन का स्क्वायर वन, वन को फोर से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, फोर, टू ए बी, जब मैं टू ए बी करूंगा तो कितना जाएगा, टू के, टू के को फोर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, एट के, ठीक है। बात क्लियर है? प्लस का सिक्स के प्लस सिक्स और माइनस वन, ठीक है, अपॉन थ्री। तो देखो ये कितना हो गया के पास, के प्लस वन इंटू कितना हो गया, देखो फोर के स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, एट और सिक्स कितना हो गया, फोर्टीन के, फोर और सिक्स टेन, टेन में से वन गया, कितना बचे के पास, प्लस का नाइन, ठीक है ना, अपॉन थ्री, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका एल एच एस सॉल्व कर ये लेकर आना है, है ना, आर एच एस लेके आना है। चले देखो इधर, हम इसका क्या उठा रहे हैं, एल एच एस उठा रहे हैं, क्या उठाया आपने इसका, एल एच एस, एल एच एस क्या है, देखो आपके पास वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस एंड सो ऑन टू के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री। बात क्लियर है? अब देखो इधर, यहां से यहां तक हम पी के है हमारा, है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है बोलो, के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन अपॉन थ्री प्लस, है ना, यह नंबर एज इट इज, टू के प्लस वन इंटू कितना है, टू के प्लस थ्री। देखो यार सबसे पहले अगर हम देखें, ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर इसके फैक्टर हो जाए तो कुछ कॉमन निकल जाए, है ना, ऐसा कुछ देख लेते हैं, नहीं निकलेगा तो फिर वही एलसीएम लेके तो सॉल्व करना ही करना है, असल में आ रही है।
भाई ये क्वांटिटी की क्वेश्चन है, अगर इसके फैक्टर हो गए और सेम मिल गया तो हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगर नहीं बने तो बात अलग है, ठीक है। देखो इधर मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 4 चाहिए, और माइनस करने पर 6, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 बन जाए, है ना, और माइनस करने पर 6, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वही एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, एलसीएम लेकर, ठीक है। जब मैं 3 और 1 का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। बात क्लियर है, 3 का 3 में डिवाइड लगाया 1, 1 को इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये नंबर एज इट इज। चाहूं तो मैं, चलो बाद में कर लेंगे, k इंटू कितना आ गया, 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस एज इट इज, 1 का इसमें डिवाइड लगाया कितना आ गया 3, ठीक है ना। और ये कितना है के पास, 2k प्लस 1, और कितना है 2k प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो इधर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। देखो करो, 2 2 4, है ना, 4k स्क्वायर, और 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा बोलो, 4 3 12 k स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 3 6k, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 k हो जाएगा, है ना, प्लस का 2k, 2k को 3 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया बोलो, 2 3 6k, 3 1 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 9 अपॉन 3 आपका एज इट इज। बात क्लियर है। अब देखो यार, अगर हम इसको देखें, k क्यूब है क्या इसमें कहीं पे, नहीं है, तो ये आपका एज इट इज 4k क्यूब। k स्क्वायर की बात करो, देखो k स्क्वायर ये रहा और k स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया 6 और 12 कितना हो गया 18k स्क्वायर। k की बात करो, देखो k ये रहा, है ना, k ये रहा और k ये रहा, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 में से 1k गया कितना बच गया, प्लस का 23k, है ना, और प्लस का 9 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इधर, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा पॉलीनोमियल बन रहा है, क्यूबिक पॉलीनोमियल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखो इधर, अब क्यूबिक पॉलीनोमियल में, है ना, के फैक्टर हमने 9th क्लास में सीखे थे, याद करो हम क्या करते थे, ये आपका कौन सा पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। मैं इसको साइड से बता रहा हूँ आपको, देखो यार कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर करने हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, के प्लस 1, है ना, और ये चाहिए आपको, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर कर रहे हैं। देखो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैसे करते थे, क्या है आपके पास, देखो अपॉन 3 चाहिए था, तो अपॉन 3 तो नीचे रखा हुआ है ना, तो मैं इसको उठाता हूँ बस, ओनली 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9, है ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल आपका ये, क्यों, क्योंकि ये मिल रहा है किससे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते थे, सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू रखते थे जिसको रखने पर ये पूरा पॉलीनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। देखो यार आप रख के देखो, माइनस 1 क्या रख के रख रहा हूँ मैं, के की जगह पर, के की जगह क्या रख रहा हूँ, माइनस 1 रख रहा हूँ, ठीक है। माइनस 1 रखने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, वही पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 18, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 23 और प्लस का 9, 23 और 4 कितना हो गया 27, और 18 और 9 27, ठीक है, कितना आ गया पास 0, ठीक है। अब क्या करते थे बोलो, अब क्या करते थे हम लोग, इस 1 को सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू ढूंढते थे जिसको रखने पर ये 0 हो जाए, तो ये किस पे हो रहा है, माइनस 1 पर 0 हो रहा है, इसको क्या करते थे हम अंदर लेके आते थे, तो क्या हो जाएगा बोलो, k प्लस 1 इस फैक्टर, k प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इस k प्लस 1 का इस पूरे पॉलीनोमियल में डिवाइड लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, k प्लस 1 का, है ना, क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे पॉलीनोमियल के अंदर डिवाइड लगा देंगे। देखो इधर मैं k प्लस 1 का आपको डिवाइड लगा के दिखा रहा हूं यहां पर,
के प्लस वन है ना, किसके अंदर डिवाइड लगाना है, 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। जब इसमें डिवाइड लगाओ कितना आ जाएगा, 4k² मल्टीप्लाई करो 4k³ प्लस 4k² साइन चेंज करा ये आपस में कैंसिल, कितना आ गया 14k² प्लस 23k प्लस 9। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बोलो, प्लस का 14k मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 14k² प्लस 14k साइन चेंज करा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल, 14 6 और 3 9k प्लस 9। ठीक है, कितना आ जाएगा पास 9, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9k प्लस 9। ठीक है, तो कितना आ गया पास बोलो, 4k² प्लस 14k प्लस 9। तो देखो यार, हम इस पूरे पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो इसको, ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू कितना आ गया पास, 4k² प्लस 14k प्लस 9 अपॉन कितना आ गया पास, 3। तो LHS से क्या आ गया आपका, RHS आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि PK प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर PK इज ट्रू। ठीक है, बात क्लियर है आपको, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज बता रखी है, आपको उस तरह से बिल्कुल लैंग्वेज लिखनी है इसमें।